नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने प्राथमिक विद्यालय जमीन हरखोरी धनचुला शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो 175 पात्र लाभार्थी बेस लाइन सर्वे सूची से छूटे हुए हैं, उनका शौचालय निर्माण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के प्रति जागरूक करें। उन्होंने ग्राम प्रधान सचिव तथा ग्रामीणों से कहा कि शौचालय निर्माण का काम मिलकर करें तथा शौचालय से निर्माण संबंधी सामानों को थोक में लाकर शौचालय निर्माण कराएं और शौचालय भी समूह में बनवाएं। गांव में शौचालय निर्माण के कार्यों में धीमी प्रगति तथा गांव में साफ सफाई ना पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान और सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि शौचालय के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है तथा शौचालय निर्माण समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने लेखपाल को निर्देश दिया कि जिन पात्र लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए उनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए ग्राम समाज की जमीन पर समूह में शौचालय बनवाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस अवसर पर लेट्स डू पॉजिटिव टीम के सदस्य प्रमोद दुबे द्वारा शौचालय पर बनाए गए गीत के माध्यम से लोगों को शौचालय निर्माण के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जमीन हरखोरी में सुभाष तथा गुरह को स्वच्छाग्राही बनाने के लिए सचिव को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय जमीन हरखोरी का बाउंड्री वॉल बनाने तथा रंगाई पोताई करने का निर्देश ग्राम प्रधान को दिया। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 संपर्क मार्ग CRF जियनपुर मार्ग से टेकन गाढ़ा तक 1.5 किलोमीटर तथा इसकी लागत 12.62 लाख रुपए तथा वर्ष 2017-18 अमवारी संपर्क मार्ग जिसकी लंबाई 1.60 किलोमीटर तथा इसकी लागत 7.28 लाख रुपए हैं, जिसका जिलाधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सहायक अभियंता मंडी परिषद राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को निर्देशित करते हुए कहा गया कि उक्त संपर्क मार्गों में कोई टूट फूट हो तो उसे दूर कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा साधन सहकारी समिति क्रय केंद्र अमुआरी का निरीक्षण भी किया गया। इसकी स्थिति अत्यंत ही खराब पाई गई तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर अमुआरी का भी निरीक्षण किया गया, इसमें भी गंदगी पाई गई। इसी के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय अमवारी का भी निरीक्षण किया गया तथा जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मानक के अनुसार बनवाएं तथा हाथ धोने के लिए अलग से बेसिन बनवाएं। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय के पास पोखरे का निरीक्षण भी किया गया तथा उन्होंने ग्राम प्रधान से कहा कि पोखरे का सौंदर्यीकरण करवाएं तथा पोखरे के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण रहा जमीन हरखोरी में, सर क्या कुछ कमी हुई, क्या कुछ आदेश दिया गया? जमीन हरखोरी में देखिए काफ़ी व्यापक रूप से बेस लाइन से लोग छूटे हुए हैं। लगभग 175 परिवार ऐसे हैं जिनका शौचालय नहीं मिल पाया। उनकी जांच करने मैं आया था और अभी मौके पर भी जा रहा हूँ। इन सबको शौचालय के लिए धनराशि प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी जिनका नाम छूट गया था, और जिनको दी जा चुकी है अपना शौचालय शीघ्र कम्प्लीट करके उसका प्रयोग करें। जो लोगों ने बना भी लिया और प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको एक प्रेरणा देने के लिए उनसे बात करने के लिए मैं इनकी विचार। सर अभी कुछ महिलाएं अपनी समस्याएं बताए थे कि हमारे पास शौचालय नहीं। देखिए यहाँ पर सामान्य बात यह है कि जमीन नहीं है तो हमने लेखपाल से कहा है, जब मान लीजिए 10 लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं तो सामूहिक शौचालय बनाया जाएगा उनके लिए। सामान्यतः सबके पास जमीन है, फिर भी आप जानते हैं एक प्रवृत्ति है लोगों में, बिना काम किए अगर कुछ मिलता रहे तो बेहतर है। थैंक यू सर। सर एक समस्या आ रही है गांव में राशन, उनका उनका मैच नहीं कर रहा है। हाँ अभी 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 पास मशीन गांव में लगाई जा रही, कहीं कहीं समस्या आ रही है, ऐसे में उनको मैनुअल आधार पर देने के निर्देश है, लोगों को राशन दिया जाएगा। सर इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि एक कोटा चलता है या दो कोटे हैं, एक कोटा चलता है काफी। के अनुसार मैं प्रस्ताव कराऊंगा कि एक और कोटे की दुकान बने। सर अमवारी नारायणपुर निरीक्षण रहा, सर क्या कुछ कमी मिली है यहाँ पे? अमवारी ग्राम पंचायत में बहुत सारी कमियाँ मिली हैं। पहली बात तो अभी प्राथमिक विद्यालय में शौचालय कंप्लीट नहीं है, उसे होना है। जल निगम ने टंकी अभी हाल में हैंडओवर की है और लग रहा है कई साल पहले की बनी हुई। प्रधान जी के पति ने मुझे बताया कि अभी यहाँ पर जो पाइपलाइन गई हो भी ठीक नहीं गई है,
इन्होंने गलती की कि इनको हैंडओवर नहीं लेना चाहिए था, जब तक कि अच्छी तरह से फंक्शनल जल निगम का टैंक और वो पंप सेट उसका दोनों सही नहीं था तो नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी बुरा हाल है, अंदर बहुत सी झाड़ झंकाड़ बड़ी गंदगी है ना दिख रही है। मैं इस पर CMO को निर्देशित करूँगा, यहाँ स्टाफ रहे, अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था बनाई जाए। और सामने जैसे क्रय केंद्र है साधन सहकारी का, इसकी भी स्थिति खराब है। इसके छोटे छोटे काम हैं, थोड़े थोड़े खर्चे से हो सकते हैं। 14वें वित्त में धनराशि प्रधान जी को मिलेगी, नहीं मिली होगी तो उससे इनसे अपेक्षा है कि जो पुराना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव में उसको व्यवस्थित करें, ठीक बनाएं, विद्यालय कैंपस को नीट क्लीन बनाएं। शौचालय भी यहाँ हमने कुछ देखे बने हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बनना शेष है। और मैं अपेक्षा करूँगा कि दो गड्ढे वाले शौचालय, लीच पिट जालीदार जिसको कहते हैं, वही लोग कंप्लीट करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बन गया है उसका लोग इस्तेमाल करें। अभी आप लोग साथ में थे, एक दो लोगों से मैंने पूछा इस्तेमाल कर रहे हैं, जब शौचालय लोग बना लेंगे तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, आदत पड़ जाएगी। अभी गांव में बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। यहाँ यहाँ एक सड़क में देखने आया था जिसको मंडी परिषद ने बनाया है, मोरल लेस ठीक है, बोर्ड नहीं लगा है, मैंने निर्देश दिया बोर्ड लगाएं, और कहीं कहीं सड़क उखड़ रही है उसको भी कंप्लीट करें, तभी उसका भुगतान होगा। ये जो आप पोखरी देखे हैं उसको सुंदर, ये पोखरी का मैं प्रधान जी से अपेक्षा करूँगा, यहाँ भी बहुत सारी झाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसको हटवा करके बढ़िया पौधारोपण करा दें। प्लांटेशन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे बड़े प्लांट भी हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के सामने वो है तालाब, इसका सुंदरीकरण होना चाहिए। और दो तरफ घाट बने हुए हैं, स्कूल साइड में भी घाट बना देंगे तो तालाब बहुत सुंदर। ऑलरेडी पूर्व मंत्री का एक गाँव है, वर्तमान विधायक का भी गाँव है, इसको तो अति और सुंदर होना चाहिए। नहीं, गांव सभी सुंदर होने चाहिए, कमियां इतनी है विधायक जी के गांव में, कमियां इतनी है। नहीं, इसमें विधायक जी की जिम्मेदारी नहीं, इसमें ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है जी, जी। और ग्राम पंचायत को आगे आकर के जो धनराशि आती है उसका सदुपयोग करना चाहिए। थैंक यू सर। CIB इंडिया न्यूज के लिए आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट अंकित सिंह। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।